हे गाइस, तो आज मेरा पटाया का day 3। पटाया पे ही बैठा हुआ हूँ काफ़ी दिन से, 2 दिन हो गया। बस बीच में घूम रहा था, यहाँ वहाँ वॉकिंग स्ट्रीट घूम रहा था, यही सब चल रहा था अभी तक। पिछले 2 दिन से वही चल रहा था। कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा पटाया में इस बार, काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं, बहुत कम क्राउड है, और मे बी सीज़न के कारण, जून है तो मानसून सीज़न चल रहा है, तो बहुत कम यहाँ पे क्राउड है। पर ठीक है, चल रहा है, दिक्कत नहीं है। हम लोग कल रात को पूरा शायद 2 या 4 बजे तक अपना बैठे थे पटाया बीच पे, वहीं पे खाना वाना लेके गए थे, बीच पे बैठ गए और वहीं पे खा रहे थे। वीडियो सब ले नहीं रहा था कि सोचा कि चलो 1-2 दिन बिना प्रॉपर वीडियो के एक रिलैक्स करके एक अपना बना ले, एंड उसके बाद बाकी का देखेंगे, उसका व्लॉगिंग चालू करेंगे। तो पिछले 2 दिन का मैं व्लॉग नहीं दिखाऊंगा, वीडियोस ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे या मैं अपलोड कर दूंगा, कार्ड पे डाल दूंगा पुराने वीडियोस के लिंक। अभी चलो 7-Eleven पे कॉफ़ी पी लेते पहले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 7-Eleven, जहाँ पे अपना कॉफ़ी पियेंगे और फिर आगे जाएंगे। आगे का प्लान कुछ आइडिया है नहीं कि क्या करें क्या नहीं, जो भी है प्लान करके देखेंगे। तो अभी 7-Eleven खोजते हुए जा रहा हूँ, कहाँ है 7-Eleven, कहीं लिखा गया। चलो, हाँ वो रहा। तो अभी आ गए अपना 7-Eleven पे, जाके गर्मा गर्म एक कॉफ़ी। आ जा कॉफ़ी 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 है, कोल्ड ड्रिंक है, क्या चाहिए देख। ये रहा, उसके यहाँ कौन सा कॉफ़ी पिए, हाँ यहीं पे कैची, यहाँ पे होना चाहिए, कैची नहीं है तो ये है ना, हाँ ये रहा कैची, बता दे रहा हूँ मैं। शुगर इसमें मिला रहता है, पैकेट में मिला रहा। अच्छा लेकिन है कॉफ़ी यहाँ का 7-Eleven का, $12 उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तेरे को ट्राई करना है, ले ट्राई करके देख, तेरे को पीने का है तब ऑर्डर करके। तो ये है अपना कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बना रहे हैं इस तरह से हम लोग। अच्छा लग रहा है, हाँ ये है अपना 7-Eleven। चलो आप भी पी, नहीं पसंद आ रहा है ठीक है, हट ना मेरे को तो दिखाने देना। ये 7-Eleven का यहाँ पे खाना, जो आपको रेडी फूड्स मिल जाएंगे सभी का। ये आपको सैंडविचेस, जो आपको अच्छे रेट पे हैं, सैंडविचेस एंड रेडी फूड्स भी यहाँ पे है 7-Eleven का। तुम नहीं लोगे तो पेमेंट कर लेता हूँ और फिर निकल रहा हूँ। कर दे व्लॉग यूट्यूब, सॉरी 2000 baht, आई डोंट स्मोक नो। ओके ओके, सॉरी सॉरी, अरे 7-Eleven पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैं गलती से वहाँ बैठ के वीडियो बना रहा था। ये तो अभी वही 7-Eleven पे कॉफ़ी लेते हुए
अगला देखेंगे खाना पीना क्या है क्या नहीं है, ताकि खाना पीना देखेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ पियर पे। आज कोरल आइलैंड नहीं जा पाया, बहुत लेट से उठा यार। कल पूरे दिन पूरा रात हम लोग बीच पे ही बैठे रहे, खाना पीना सब वहीं पे, हम लोग मिनी पार्टी कर रहे थे अपने ही बीच में। मैं और दो लोग के साथ आया हूँ तो उनके साथ ही मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, तो कुछ कर नहीं पाया। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे, ये है पटाया का, ये पटाया का बीच उस साइड है, और पूरे स्पीड बोट्स यहाँ से हायर कर सकते हैं आप कोरल आइलैंड के लिए। मेरे सामने जो ऑफिस था उसमें यूजुअली मेरे को दिख रहा था कि टिकट काउंटर रहता है जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं स्पीड बोट का या फेरी का, पर वो टिकट काउंटर अभी बंद था। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, उधर पे जो बोट है, जो बड़ा बोट है, आप डायरेक्ट उसको कैश दे के आप कोरल आइलैंड के लिए, कोलान करके जो आइलैंड है वहाँ पर आप जा सकते हैं। 30 बात लगेगा आपको, आपको ये स्पीड बोट या ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है यार। 30 बात दो, 30 बात में तुमको, आप लोग को वो बोट लेके जाएगा कोलान का, वो आइलैंड जहाँ पे पियर है उसका, ये बाली पियर है, बली या बाली जैसे भी नाम बोलो, बली पियर है। यहाँ से आपको कोलान लेके जाएंगे, वहाँ पे छोड़ देंगे, वहाँ से आप टुक टुक करके आप बीच पे जा सकते हैं। स्पीड बोट आपको डायरेक्ट बीच पे ले जाएगा, और यहाँ पे इस सर्विस को अगर आप लेते हो, ये आपको पियर तक लेके जाएगा, और पियर से आपको टुक टुक लेके 10-20 बात एक्स्ट्रा लेगा, वो लेके आपको कोरल आइलैंड का जो प्रॉपर बीच है वहाँ पे जाके आपको छोड़ देगा। वहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा कोरल आइलैंड का, कितना सुंदर जगह कोरल आइलैंड है यहाँ का। आज मेरा लेट हो गया तो मैं नहीं जा रहा हूँ। रिटर्न में भी सेम है, आपको टुक टुक करके वही पियर पे आना है, और वहाँ से फिर से फेरी पकड़ के इसी बाली पियर पे आना है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी लोग आ रहे जा रहे हैं, सारे टूरिस्ट वही करते हैं यहाँ पे। आप टिकट ले लो और उस फेरी से निकल जाओ, बहुत सस्ता है। यूजुअली अगर आप यहाँ पे किसी होटल में रुक रहे हैं तो आपको 500 से 700 बात का आपको पैकेज देंगे। फूड इंक्लूडेड रहता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका वो स्पीड बोट या बिग बोट पे आपको लेके जाएंगे वैसा रहता है, लेकिन वो आपको ज़रूरत नहीं है यार, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बजट के लिए सब कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये पैकेज करना, डायरेक्ट आप वहाँ के पियर से 30 बात में आप वो फेरी पकड़ के आप वहीं चले जाओ। आज का यहाँ का ख़त्म, पियर में ज़्यादा काम है नहीं, तो अगला देखते हैं अगला क्या कर सकते हैं। मैं शायद पटाया का जो व्यू पॉइंट है वहाँ जाऊँ, आपको एक नज़ारा दिखा दूँ पटाया का व्यू पॉइंट का। यहाँ पटाया सिटी जो लिखा रहता है यहाँ से एकदम क्लियर दिखता है, ये पटाया सिटी का ये जो बना हुआ है। तो हम लोग शायद वहाँ कहीं पे जाएंगे, शायद मुझे भी प्रॉपर पता नहीं, कोई एक हिल टॉप ही है वहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ जाके पूरे पटाया का वो व्यू देखेंगे। एक मस्त एक आता है, जब भी आप गूगल में सर्च करते हो ना पटाया करके, एक व्यू आता है जहाँ पे बीच ऐसे कर्व हो रहा है, वो वहीं से लोग फोटोग्राफी करते हैं, पटाया का व्यू पॉइंट से ही, काफ़ी अच्छा दिखता है। भाई लोग को अभी भूख लग गया है, अभी इनका खाने का इंतज़ाम मैं करने की कोशिश करूँगा। एक बार उनका खाना का हो गया तो फिर टैक्सी करेंगे एंड व्यू पॉइंट जाएंगे। हे गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ अपने होटल। ना मैं कोरल आइलैंड आज कर पाया, ना पटाया व्यू पॉइंट कर पाया। एक्चुअली मिस्टेक मेरे से हो गया, आज हम लोग कल रात को इतना देर बीच पे बैठ के इतना पार्टी कर रहे थे, खाना पीना का, जैसे लिटरली हम लोग खाना पीना पूरा ले लिए थे, पटाया बीच पे चले गए, आराम से बैठ गए और बीच पे बैठ के हम लोग खाना पीना कर रहे थे, और बातें करते करते, मस्ती करते करते, पानी के साथ खेलते खेलते अपना 4 बज गया। हम लोग आके बहुत लेट से सोए, मेरे को वीडियो का फाइल्स कॉपी करते करते और बाकी काम करते करते मेरे को बहुत टाइम हो गया था। तो हम लोग लेट से उठे, 1 बजे सब लोग उठे और 3 बजे रेडी हुए नहा धो के बाहर निकलने के लिए, और 5 बजे तक तो
हम लोग बस खाना ढूंढ रहे थे। खाना से याद आया यार, अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी हो और आप अगर स्पेसिफिक खाना खाते हो, लाइक अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप शायद सिर्फ हलाल फूड प्रिफर करेंगे, आप उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। एंड इंडियंस में हम अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यार प्रॉब्लम यहाँ पे खाने का बहुत है। यहाँ 90% फूड नॉन वेजिटेरियन है, आपको बीफ, पोर्क, चिकन, फिश ये सभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा एक्चुअली चिकन से ज़्यादा पोर्क यहाँ पे मिलता है खाने के लिए, जो मैं खुद मैं नहीं खा सकता पोर्क, चिकन चल जाता है, एंड एग एंड वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन फूड भी ऐसा है, आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं ऑप्शंस। एंड 7-Eleven में शायद एक या दो आइटम मिल जाएगा आपको अभी वेजिटेरियन खाने में, बाकी पूरा पोर्क एंड चिकन यही सब मिलेगा। अगेन चिकन में भी हलाल है कि नहीं वो नहीं पता 7-Eleven पे, एंड बाकी जगह पे जो खाना रेस्टोरेंट्स में जो पका के खिला रहे हैं वो हलाल है कि नहीं आई डोंट नो। तो खाने के मामले में आप ये याद रख लो, अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो आपको हर मील का कम से कम 200 बात आपको फिक्स करके रखना है कि आपका 200 बात खर्च होने हैं। कुछ बीच हो जाए 200 बात तो आपको खर्च होगा ही, ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में, अगर आप स्पेसिफिक खाते हैं। अगर आप काम चलाओ खाना खा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लोग वो चावल स्टिकी राइस एंड चिकन खा लेते हैं, एक छोटा सा बोल में देते हैं, अगर वो आप खा सकते हैं तो ठेले में मिल जाएगा, और वो भी आपको ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पे खाना मिलता है, जो मतलब जो स्टॉल्स जहाँ पे लगे रहते हैं, आपको सेंट्रल फेस्टिवल मॉल के आसपास सारे ठेले और सारा फूड कोर्ट जो है वहाँ पे लगा है, या मैकडॉनल्ड्स तो मिलता ही है हर जगह पे। हम लोग यहाँ पटाया के वॉकिंग स्ट्रीट के पास रूम होटल लिए हुए हैं, तो यहाँ पे खाने का थोड़ा लोकेशन में कुछ उतना नहीं है, तो अपने को बात बस पकड़ के 10 बात पकड़ के फेस्टिवल मॉल जाना है और वहाँ पे ही खाना मिलेगा। तो अब ये ध्यान रख ले, खाने का आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, या बजट रखना है कि 200 बात, शायद कम भी हो जाए पर 200 बात आप लेके चलो कुछ ना हो तो। तो आज मेरा वही ना पटाया का व्यू पॉइंट हो पाया ना कोरल आइलैंड हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो आज का डे का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म, दिन का व्लॉग यहीं ख़त्म हो गया। मैं वापस होटल आ गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट लूँगा, फिर रात का सोचेंगे क्या करना है। रात को शायद मैं आपको रास और नशा का मैं शॉर्ट्स दिखा दूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ क्लब्स पर, बट वहाँ का मैं आपको फुटेज दिखाऊँगा वहाँ पे कैसा चलता है। दोनों इंडियन पाकिस्तानी का वो नाइट क्लब है जहाँ पे फ्रीक्वेंट, मतलब सारे इंडियन पाकिस्तानीज वहीं पे आते हैं, ठीक है। वहाँ हिंदी गाना चलता है, पूरा मौज मस्ती वहीं पे होता है, फुल नाइट वहाँ पे, फुल नाइट भी नहीं मतलब 2-3 बजे तक तो पार्टी चलता ही रहता है वहाँ पे, रात को वॉकिंग स्ट्रीट पे है ये। तो मैं उसका फुटेज आपको दिखा दूंगा, एंड कुछ और अगर प्लान बनता है तो उसका नेक्स्ट वीडियो में शायद दिखा दूँ क्या बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही, आई एम सो सॉरी ज़्यादा अगर कुछ आज ब्लॉग में नहीं दिखा पाया तो, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं ये व्लॉग, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दें। मैं आपको और ज़्यादा इससे और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा मेरे वीडियोस के थ्रू, और अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसका व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको सारा फुटेज दिखाऊंगा एंड सभी इंफॉर्मेशन, आपको जो जो चाहिए होगा आपको खुद ट्रैवल करने के लिए वो सब इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, मेरे को बहुत मदद होगा अगर आप मेरे को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, एंड थैंक यू सो मच जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग होगा शायद नाइट लाइफ यहाँ का, या कुछ और अगर हम लोग कर रहे हैं जैसे बीच जा रहे हैं तो उसका एक ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।